नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर मीरा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बो अस्पताल पहुंचाया है। आत्महत्या के सिलसिले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर की हीरा नगर थाना क्षेत्र के सूरज नगर में सामने आया। यहां की रहने वाली महिला रजनी पति शरद ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक देर शाम को घर में मेहमान आए हुए थे, उसी दौरान घर का सिलेंडर खत्म हो गया, जिसमें उसे खाना बनाने में काफी देर हो रही थी, जिसकी टेंशन के चलते रजनी ने घर में रखी सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बो अस्पताल पहुंचाया है। ये हीरानगर थाना क्षेत्र में सूरज नगर है, हाथीपुरा में। रजनी भाई पति राजू शरद, रजनी भाई पति शरद, उम्र 35 साल, सूरज नगर की। इनके परिवार में कल खाना वाना बनाने का था और टंकी खत्म हो गई थी, जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि टंकी, गैस टंकी खत्म हो गई थी, तो खाना थोड़ा सा लेट हो रहा था बनने में, उसका टेंशन था काम का, और इसी कारण फिर उसने टंकी ख़त्म हो गई थी, इस टेंशन में उसने फिर कुछ खा लिया है। बता रहे हैं अनाज में रखने की गोलियाँ थी, वो खाई है, पाइजन खा लिया था, और इससे हॉस्पिटल ले गए, निकट वाले हॉस्पिटल वहाँ पर ले गए, वहाँ से अरविंदो ले गए थे और डेथ हो गई थी। कब की घटना है और कब से ये साहब? कल की है, 20:12 को 2:33 की, 2:30 के आसपास। क्या करती थी महिला? महिला घरेलू कार्य करती थी। हाँ, ऐसा कोई विवाद नहीं था, जैसा परिजन बता रहे हैं कि पति से अच्छी थी, मतलब उनका रिश्ता वगैरह सब अच्छा चल रहा था, और कोई ऐसी अनबन भी नहीं है। गुस्सेल स्वभाव की थी, चिड़चिड़ा स्वभाव था, घर पर प्रोग्राम नहीं था, डेली रूटीन का जो भी उनका काम था, वो तो टंकी ख़त्म होने से टेंशन था, ये और इस कारण उसने किया है, ऐसा बता रहे हैं। तो मैं सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार, थाना हीरानगर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।